शांति, ओम शांति। मुझे याद आता है हम छोटी 10-12 बरस की थी, तभी से मैं बाबा के पास ही रही। बाबा कहता था आपको मेरे साथ ही चलना है, पांडव वन देखा है ना मधुबन में, तो पांडव वन के बाहर सारा पैदल करते थे, पैदल करके फिर पीस पार्क तक पहुंच जाते थे, पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ के वहाँ पहुंच जाते थे, परंतु बहुत खुशी में, ऐसा नहीं कि ये कैसे होगा, खुशी होती थी, खुशी में हम नाचते रहते थे। फिर इसी बीच में हमारा बेगरी पार्ट आया, बेगरी पार्ट भी इतना जो समझो हमारा विश्व किशोर था उनके पास 10 आना भी नहीं होता था, पहले तो आने रुपए होते थे ना, फिर उसने कहाँ से उसको मिला, तो हम 4 बहनें थी जिसको बहुत डायरिया हो गई, इतनी डायरिया बात मत पूछो। उसने हमको एक गोली थी, उसे एक गोली से 4 चुटका करे, एक एक टुकड़ा खाया, हम ठीक हो गए। ये है बाबा की कमाल। बेगरी पार्ट होता था ना, तो सब्जियां तो थी नहीं घर में, तो वहां पोस्ट आती है ट्रेन में 10 बजे, तो बोली भंडारी कहती थी बाबा आज हम क्या बनावे। बाबा ने कहा बच्ची पोस्ट आवे फिर हम आपको बताएंगे कि क्या बनाओ। पोस्ट आती थी वो खोलते थे तो कोई न कोई गोप काकी चेक जरूर होती थी, फिर उसे कुछ न कुछ मंगाते थे और खुशी में खा जाते। ऐसा नहीं होता था कि यहाँ कैसे हम रहेंगे, ये कैसे होगा, खुशी में हम बाबा के साथ थे न, तो उसकी खुशी में हमको बहुत 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 रहती थी। समझो हमारा पांडव भवन और पीस पार्क कितना दूर है, परंतु हम क्या बाबा पहाड़ियों से चढ़ चढ़ के हम जाते थे, बाबा से के साथ थे तो खुशी में नाचते रहते थे, तो पहाड़ियों से चढ़ चढ़ के पीस पार्क पहुंच जाते थे। फिर वहाँ चेरी केरी होती थी, वो चेरी केरी खाई हमारा नाश्ता हो गया। ये नहीं होता था ये कैसे होगा, उसी में ही हम खुशी में नाचते रहते थे। तो अब्बू में एक भी गाड़ी नहीं थी, और अब्बू तो जंगल था, इतने मकान इतने दुकान वगैरह को थोड़ी थे। फिर हम कहते थे ये कैसे होगा, तो हम पैदल उतरते थे, और फिर रात्रि को आकर के एक स्कूल का हाल लिया था वहाँ सो जाते थे, फिर सुबह को उठ के और फिर चलते थे। चलो अभी ऊपर चलना है, तो उन दिनों में अब्बू में कोई गाड़ी तो थी नहीं, तो पेठा वगैरह बराबर होता था ना, हम माथे पर रख करके चढ़ते थे, परंतु खुशी में नाचते रहते थे। कभी ये नहीं हुआ ये तो मजदूरों का काम है, हम कैसे करेंगे, हमको बहुत बहुत। फिर हम पैदल ही चढ़ते थे ऊपर माउंट अबू रोड से, अबू पांडव वन पैदल ही चढ़ते थे खुशी में। बाबा कहता था जो गिरेगा वो फेर लूंगा। फिर एक बहन गिर गई थी, फिर उसको जैसे बच्चे को कपड़े में बांध के उठाते हैं नहीं, ऐसे उठा के चले। फिर मम्मा आती थी,
जहाँ बस स्टैंड है ना, वहाँ तक मम्मा आती थी, सबकी गुलाबाशी से स्वागत करती थी, पर खुशी में, बात मत पूछो, इतनी खुशी, इतनी खुशी, अभी तो आप लोग हो ही नहीं सकती है, अभी तो आप कहेंगे हमको ये नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है।